जब अपने एक अंधे भक्त को खुद बचाने चले आए नाग देवता, ये नजारा अपनी आंखों से देख गांव वाले हुए दंग। दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति व्यक्ति के भाग्य को चगा देती है, अपने भक्त को वे आंच तक नहीं आने देते। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी के एक गांव में देखने को मिला। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दरअसल आज हम आपको काशी के गंगा घाट में रहने वाले एक अंध शिव भक्त भोला के बारे में बताने वाले हैं। भोला जन्म से ही अंधा था और अपने माता पिता को भी उसने बचपन में ही खो दिया था। इस निर्दयी संसार में जब भोला अकेला था तब उसने महादेव शिव का हाथ थामा। भोला की एक आदत थी कि वो रोज सुबह जल्दी उठ गंगा स्नान को जाता और फिर शिवलिंग को छूकर अपनी भक्ति करता। लोग हमेशा भोला को गंगा घाट में जाते समय टोकते कि मत जा भोला, तू किसी दिन नदी में डूब जाएगा, वैसे भी तुझे कुछ दिखता तो है नहीं। तो भोला हमेशा ये बोल दिया करता कि अगर मुझे दिखता ही नहीं तो क्या हुआ, मेरे भगवान शंकर को सब दिखता है, वो मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। भोला कुछ अलग ही था, दिन भर शिव का नाम लेकर उन्हें याद करता, परंतु जब उसके साथ कुछ भी गलत होता तो फिर भी शिव का नाम लेता, परंतु उस समय वह उन्हें डांटता और उन पर चिल्ला उठता। भोला के शिव के प्रति प्रेम भाव कुछ भिन्न ही थे, इसी कारण लोग उसे पागल समझने लगे थे। परंतु भोला ने कभी किसी के बातों को दिल से नहीं लिया और ना ही किसी को उल्टा जवाब दिया, वो खुद में और शिव भक्ति में खुश था। एक रोज भोला जब पूजा कर घर की तरफ लौट रहा था तब भोला को पता चला आज गांव के बाहर शहर की तरफ शिव पुराण की कथा का आयोजन किया गया है। तो भोला ने सोच लिया कि वो शिव सत्संग में जरूर जाएगा। उसने घर पहुंच जल्दी से अपना थैला लिया जिसमें शिव जी की एक फोटो और कुछ फल थे। उसने अपनी लाठी उठाई और चल दिया सत्संग की तरफ। गांव और शहर के बीच में एक रेलवे फाटक आता था। भोला जब उसे पार करने लगा तो वह इस बात से अनजान था कि जिस पटरी पर वह चल रहा है उस पर एक तेजी से दौड़ती ट्रेन आ रही है। आसपास के लोगों ने चिल्लाकर भोला को पटरी से पीछे हटने को कहा, परंतु भोला ट्रेन की आवाज़ की वजह से कुछ भी सुनने में असमर्थ था। तभी भरी भीड़ में से किसी ने ये कहा कि देखो एक सांप उसकी तरफ तेजी से दौड़ा चला आ रहा है। आसपास की भीड़ ने मान लिया कि आज भोला की जान नहीं बचेगी, या तो वह सांप भोला को डस लेगा या तेजी से आती ट्रेन भोला को कुचल देगी। परंतु फिर लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हर कोई हैरान था। भोला के दोनों पैरों में सांप रस्सी की तरह लिपट गया और भोला को पटरी से पीछे की तरफ गिरा दिया। ट्रेन भोला के बगल से निकल गई। ट्रेन के चले जाने के बाद सांप भी भोला के पैरों से अलग हो गया। लोगों के लिए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने भोला के पास आकर उससे पूछा, तुम्हें पता है अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो भोला हंसते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, मेरे महादेव मुझे बचाने आए थे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं जन्म से अंधा हूँ, पर मेरे शिव उन्हें सब चीज़ दिखती है। मुझे मेरी कोई भी परवाह नहीं, क्योंकि स्वयं शिव ही मेरी रक्षा के लिए हर समय मेरे साथ हैं।